चल रहा है बीफ वाले आरोपों पर कंगना रनौत ने किया है अब पलटवार और कह रही हैं कि नवरात्र में भी कांग्रेस नेताओं को चैन नहीं है। बीफ खाने का कोई वीडियो है, कोई ऐसा बिल है, कोई ऐसी जानकारी है जिसमें मैं बीफ खाती हुई दिखूं या ऐसा कोई प्रूफ है तो जरूर मुझे कांग्रेस दिखाए। वो कह रही है कि नवरात्र के दिन है, ऐसे में भी कांग्रेसियों को चैन नहीं है। बीफ वाले बयान पर इस सियासी घमासान के बीच में कंगना रनौत ने किया है पलटवार। हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत को बनाया गया है और ऐसे में कांग्रेस ने आरोप लगाया कंगना रनौत पर बीफ खाने का और इन आरोपों पर अब पलटवार करती हुई कंगना रनौत नजर आ रही है। सुनिए क्या कहा। और उसके पास एक वीडियो है तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहां देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद क्या कर सकते जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जो भी हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है, उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? छोटा पप्पू मुझे कहता है कि ये कलंकित है, ये अपवित्र है और इसको देव भूमि में आके पवित्र होना चाहिए। मैं उसको पूछना चाहती हूं कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूं। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूं? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं। उसकी क्यों चलती है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूं? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूं कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं, दो तीन? आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपके आंखों के सामने आती हैं, दो तीन? यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें ढूंढ लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है? क्या हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं? क्या ये पॉलिटिक्स जो है सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए ही रह जाए? इससे पहले हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना पर बीफ को लेकर क्या कहा था जिस पर बिफर गई हैं कंगना, एक बार सुनिए। हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं आपको ये कह देना चाहता हूं कि हिमाचल को की जनता को कोई लेना देना नहीं है कि आप क्या खाती हैं और क्या मुंबई में पीती हैं। ये हिमाचल के मुद्दे नहीं है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा, सेंसीवादी कैंडिडेट ऑफ मंडी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी फ्रॉम भारतीय जनता पार्टी, प्लीज टॉक ऑन इश्यूज। आपका क्या विजन है? आप क्या हिमाचल प्रदेश के लिए, मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए करना चाहती है? क्या आपने आपदा के समय में किया? क्या भूमिका आपकी आने वाले समय में रहेगी? कितना सहयोग आपने पूर्व में दिया? इन सब चीजों के ऊपर बात करें। ये बिना मतलब की बातें, जिनका प्रदेश के लोगों के साथ कोई सरोकार नहीं है, इस तरीकों की बात कर आप जनता का समय जो है वो व्यर्थ कर रही हैं। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा और खास करके प्रभु राम से, जिनका विशेष आशीर्वाद हम 22 जनवरी को अयोध्या में लेकर आए हैं, उनसे ये मेरी प्रार्थना रहेगी कि आपको सद्बुद्धि दे और सही मुद्दे जो हिमाचल सेंट्रिक इश्यूज है, उस क्षेत्र के लोगों के मुद्दे है, कुल्लू के, मनाली के, भुंतर के, बंजार के, सैंज के। इस खबर को लेकर शिमला से ज्यादा अपडेट के साथ अनुराग शर्मा जुड़ गए हैं इंडिया न्यूज संवाददाता। अनुराग, चुनावी माहौल है और ये आरोप प्रत्यारोप अभी चलता रहेगा जब तक वोटिंग ना हो जाए और उसके बाद में भी ये कंटिन्यू रहेगा। चुनाव में ऐसी सरगर्मियां देखने को मिलती है, लेकिन विक्रमादित्य सिंह का ये बयान, फिर उस पर कंगना का पलटवार, और कंगना ने सिर्फ विक्रमादित्य सिंह तक ही लिमिटेड नहीं रखा, दिल्ली तक भी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। बात
बात अगर हम कहें तो जैसे ही कंगना की एंट्री हिमाचल में हुई थी, उसी वक्त से सियासी पारा जो था वो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। लगातार जो थे विक्रमादित्य उनके लिए मुखर थे, तो उन्होंने जैसे कहा था कि ऐसा ना हो कि जिस तरह से सनी देओल ने अपना कोई रेस्पॉन्डेंट यहाँ पर रखा हुआ, उसी तरह से हिमाचल की कंगना रनौत भी, क्योंकि वो अभिनेत्री हैं, ऐसा नहीं है कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद जो है वो अपना जो फिल्म लाइन का करियर है उसको छोड़ देंगी। तो उस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह से कयास लगाए जा रहे थे और कांग्रेस लगातार पकड़ थी इस बात को लेकर कि हो सकता है कि कंगना रनौत भी वही रिपीट करे कि हमें सांसद को चुनने के लिए दिल्ली की बजाय बॉम्बे जाना पड़े। तो उस तरह की समस्याएं थी और कांग्रेस लगातार इस बात पर मुखर थी। उसके लिए लगातार ये बातें चल रही थी कि किसी तरह से भी जो कहे वो कांग्रेस से, जो कांग्रेस जो चाह रही थी कि वो कंगना रनौत को घेरे। और विक्रमादित्य सिंह ने सीधे पूछ लिया कि भाई मंडी से आप लोकसभा कैंडिडेट हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे, आपके मुद्दे क्या रहेंगे, उन पर बात कीजिए, कंगना बिफर गई और बीफ वाले मुद्दे पर